तो अब शुरू करते हैं दोस्तों पहाड़ी चिकन बनाना। तो अब इसको इस तरह से मुठियाएंगे, सारा पानी निकाल देंगे। देखिए इस तरह से पूरा पानी गिरता है, अब यहाँ पर डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा पहाड़ी चिकन क्या ही मस्त बन रहा है। देखिए छंगमंग छंगमंग भूंज रहे हैं अभी। तो अब मसाला डाल देते हैं दोस्तों। तो कविता जी शुरू कर दी दोस्तों खाना लगाना। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों हमारा पहाड़ी चिकन भात लग चुका है। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग लगे हुए हैं दोस्तों खाना पीना बनाने में। देखिए अभी कविता जी चावल बीच रही हैं। यहाँ पर कंकड़ पत्थर रहता है दोस्तों कुछ, तो वही सबको निकाल दे रहे हैं बीच करके। और उधर देखिए अभी अधन हो रहा है चूल्हे में ना जी। देखिए चावल के अंदर में जितना भी कंकड़ पत्थर था दोस्तों सब निकाल लिए हैं। देखिए भूसा भी नहीं है और देखिए चावल कितना फ्रेश है एकदम। हाँ, मस्त दिख रहा है, बहुत अच्छा सफेद सफेद ना जी, पिछल भी है। हाँ देखिए कितना अच्छा मुलायम है। हाँ चलिए इसको धोइए, अब सबको निकाल दिए ना। हाँ। और यहाँ पर भूसा भी नहीं है दोस्तों, सब निकाल दिए हैं। देखिए एकदम पूरा फ्रेश हो गया है। चलिए डालिए डेक्ची में डालिए। लक्ष्मी नाच रही है सुबह सुबह, साबुन के साथ नहाने जा रही है ना लक्ष्मी। धोवा जाएगा। देखिए इतना जाम है चावल में, देखिए ढेका ढेका उठा पूरा पकड़ लिया ना। हाँ लड्डू जैसा बन गया। अपने पानी दीजिए ना पूरा लड्डू नहीं लिया। हाँ चलो तो धारेंगे। सुबह सुबह कितना खुश है लक्ष्मी, कर रही है पूरा एकदम खेल रही है। आंगनबाड़ी जाएगी ना लक्ष्मी? हाँ अभी आंगनबाड़ी जाएंगे। तो चावल को पूरा अच्छी तरह से धो लिए हैं दोस्तों, अब यहाँ पर डालने जा रही है। डाल दीजिए। डाल दिया। पूरा एकदम हीट है ना जी? हीट है और धुआं भी ऊपर से ज्यादा दे रहा है, लकड़ी है ना इसीलिए। हाँ लकड़ी में सभी चावल तो डाल दिए दोस्तों, अब भात बन जाएगा। अब हम लोग तैयारी करते हैं ये स्पेशल खाना का, क्या जी? हाँ जी। आज हम लोग का बहुत ही स्पेशल खाना बनने वाला है दोस्तों। आज हमारा बनेगा पहाड़ी चिकन, मतलब चिकन ही जैसा लगेगा लेकिन वो रहेगा वेजिटेरियन और काफी टेस्टी लगता है दोस्तों। आप लोग को दिखाएंगे कैसे बनता है। तो अभी हम लोग उसी का तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, है ना जी? हाँ। चलिए इसको छोड़ देते हैं अब। हाँ, ये तो एकदम आराम से एकदम जल रहा है आज, बहुत ही मुहर मुहर ताव लग रहा है। हाँ बहुत ही अच्छा ताव लग रहा है, देखिए एकदम दबकना भी शुरू हो गया है। पूरा दबक रहा है। हाँ तो चलिए अब तैयारी करते हैं उधर। हाँ चलिए। वो भी तैयारी करने में लगेगा ना समय? उठा देंगे। हाँ इसको उठा दीजिए इस तरह से, बस हो गया। अरे देखिए फिर आ गई लक्ष्मी, अब कपड़ा चेंज करके आई है ना, पूरा एकदम भींगा ली थी। पूरा भींगा था वाला। हाँ एक बार कपड़ा भींगा ली, दूसरा चेंज की है ना। हाँ पूरा एकदम खुश है सुबह सुबह। देखिए अभी ये सोएगी नहीं, एक ही बार सोएगी ये, 12-2 बजे ना। हाँ। चलो बेटा हम लोग तैयारी करते हैं उधर। आज हम लोग बनाएंगे स्पेशल खाना पहाड़ी चिकन, खाएगी ना? भात बन गया है, अभी इसको नभा देंगे, ढार देंगे। भात बन गया, ये देखिए कितना बना है। देखिए तो अब शुरू करते हैं दोस्तों पहाड़ी चिकन बनाना, क्या जी? हाँ जी। उधर सब चीज रेडी कर लिए हैं, मसाला वगैरह सारा चीज रेडी हो गया है। और अभी देखिए कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं। और अभी देखिए कविता जी देने जा रही है तेल, और इधर हम छाँकने जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, और ये क्या चीज है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। ये अभी 200 रुपया किलो है, यानी कि चिकन के भाव में भी ये बिक रहा है, इसलिए खाने में भी काफी टेस्टी लगता है एकदम, इतना स्वादिष्ट चीज है ये। तो अब इसको छाँकते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से पानी में सीझने के लिए दिए हुए थे रास्ते में, देखिए पूरा एकदम सीझ गया है, ये पूरा लाल हो गया है। देखिए ये पूरा एकदम सफेद रहता है लेकिन देखिए सीझ करके कैसा लाल हो गया है। ये वाला खाने में काफी टेस्टी लगेगा, इस तरह से एकदम पूरा सिझा देते हैं। इसको 2-3 घंटा सिझाए हैं रात में, उसके बाद में सुबह भी सिझाए हैं, तब जाके देखिए ऐसा हुआ है। लाल हुआ।
लाल हुआ है। जब ये पूरा बन जाएगा दोस्तों, उसके बाद में देखिएगा इसका टेस्ट क्या रहता है। खाने में एकदम लगेगा कि एकदम चिकन खा रहे हैं, उस टाइप का लगेगा। अभी तो हम लोग सावन में चिकन मटन नहीं खा रहे हैं, यही सब खा रहे हैं। और ये प्योर वेजिटेरियन है एकदम, ये सभी कोई खा सकते हैं। देखिए पूरा छाँक दिए, तो इसको अच्छी तरह से धो लिए दोस्तों पानी में, और इसको छाँक करके रख दिए हैं थाली में। अब इसको मुठिया मुठिया के डालेंगे वहाँ पर। देखिए यहाँ पर तेल भी डाल दिए हैं कढ़ाई में, तो अब इसको इस तरह से मुठियाएंगे, सारा पानी निकाल देंगे, उसके बाद में डालेंगे सरसों देने। देखिए सरसों देने जा रही है अभी, फूट रहा है। देखिए इस तरह से पूरा पानी गिरता है। अब इसको इस तरह से निकाल दिए, अब यहाँ पर डाल देंगे। सारा पानी निकल जाता है और सिर्फ बचता है पहाड़ी चिकन, क्या जी? हाँ। अभी ये जल्दी मिलता नहीं है ना, इसलिए इतना ज्यादा रेट है, क्या जी? बहुत रेट है। मुर्गा मछली तो सस्ता हो गया है, लेकिन ये महंगा होता जा रहा है। ये 200 रुपया किलो है। मुर्गा मछली तो होगा भी नहीं 200 रुपया किलो, नहीं होगा। वो तो सस्ता होगा अभी सावन में। चल लक्ष्मी को देखिए ना, पूरा खुश रहती है, क्या लक्ष्मी? हाँ गिरेगी अभी। ये देखिए दोस्तों हमारा पहाड़ी चिकन क्या ही मस्त बन रहा है। देखिए छंगमंग भूंज रहे हैं अभी, इसमें कुछ नहीं डलाएगा, सिर्फ मसाला डलाएगा और मसाला का पानी डलाएगा। नमक नहीं डालेगा, नमक डालेंगे, नमक हल्दी सब लगेगा। हाँ नमक हल्दी डालेंगे, मतलब इसमें ना टमाटर डाले ना और कुछ डाले, कुछ डाले और नहीं ना डाले, लहसुन प्याज कुछ नहीं डाले, लेकिन फिर भी टेस्ट लगेगा, और चिकन मछली से ज़्यादा टेस्ट लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पहाड़ी चिकन। तो इसको अच्छी तरह से भून लिए दोस्तों, अब यहाँ पर नमक डाल देते हैं। तो इसको पूरा अच्छा से भून लिए दोस्तों, और देखिए पूरा सूखा भी गया है। अब यहाँ पर हल्दी डाल देते हैं, देखिए एकदम सूख के कैसा हो गया, लग रहा है कि आलू भुंजिया बन गया। तो अब मसाला डाल देते हैं दोस्तों। देखिए क्या ही मस्त पहाड़ी चिकन बन रहा है, देखिए पूरा एकदम भुंजा गया। अब इसको और थोड़ा सा पानी दे देते हैं, मस्त बन जाएगा हम लोग का पहाड़ी चिकन। पानी डाल दिए इसमें, अब थोड़ा सा ये और सीझेगा, बस हो जाएगा। सीझा हुआ तो पहले से है, लेकिन ये वाला डबकेगा, मसाला जो डाले हुए हैं हल्दी नमक सब चीज़ भीन जाएगा इसमें, तो काफ़ी टेस्टी लगेगा एकदम खाने में। देखिए हो गया है, अब थोड़ा सा आग जला देते हैं। तो अब ये बन गया दोस्तों हमारा पहाड़ी चिकन, अब इसको उतार देते हैं। देखिए क्या ही मस्त लग रहा है एकदम देखने में। तो पहले नहा धोवा कर लेते हैं, उसके बाद में फिर खाना पीना खाएंगे। खाना पीना तो बन ही गया दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा नहा धो लेते हैं। और देखिए आज का मौसम कितना मस्त किया हुआ है, अभी देखिए धूप उगा हुआ है, देखिए इस तरह से मौसम है आज का। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट नहाते हैं, भूख भी लग रहा है। देखिए यहाँ पर ड्राम में पानी है, और देखिए यहाँ पर भी है, डेग वगैरह में सब चीज़ में पानी भर कर रखे हुए हैं सुबह ही। तो हम नहा धो करके फ्रेश हो गए दोस्तों, अब चलते हैं खाना पीना खाते हैं। देखिए अभी ठंडा कर दिया पूरा, लग रहा है कि बारिश होगा आज भी। तो कविता जी शुरू कर दी दोस्तों खाना लगाना, ये देखिए अभी बांट रही है। भात तो बांटा गया दोस्तों, और देखिए उधर अभी सब्जी लगा रही है, कटोरी में डाल रही है। तो अब बांटते हैं दोस्तों पहाड़ी चिकन, देखिए क्या ही मस्त बना हुआ है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है एकदम देखने में, क्या जी? गप के उठता है एकदम, बस बांटा गया। साथ में अचार भी खाएंगे दोस्तों, बड़े अच्छा लगेगा खाने में। वही गए थे आम तोड़ने के लिए, आम बगीचा, वही वाला अचार है ना जी? वही वाला है अचार। और देखिए दोस्तों कितना काफी बड़ा बड़ा अचार बनाए हैं, और सीधा भी है अचार, और मस्त सीझा भी है। देखिए पूरा स्टाम सीझ गया है।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा पहाड़ी चिकन भात लग चुका है और देखिए साथ में सब्जी भी है और साथ में अचार भी है, सब चीज लगा हुआ है मस्त से, क्या जी? हाँ। अब चलते हैं दोस्तों, खाना पीना खाते हैं, चलिए। हाँ चलिए। तो अब खाते हैं दोस्तों फटाफट, चलिए जी। हाँ चलिए चलिए। मम्मी पापा, हाँ मम्मी पापा और सोनम का यहाँ पर है, मम्मी पापा का ये वाला है, यहाँ पर सोनम का ये है। तो अब फटाफट खाना खाते हैं दोस्तों, देखिए हमारा पहाड़ी चिकन भात लग चुका है, अब खाते हैं, है ना जी? हाँ। चलिए शुरू कीजिए, देखिए साथ में अचार भी एकदम मस्त वाला। लक्ष्मी भी आई है, लक्ष्मी भी आ गई खाने के लिए। पहाड़ी चिकन खाएगी लक्ष्मी? हाँ हाँ जी, नाच रही है, नहीं देख रहे हैं? खुशी से का, आज हम चिकन खाएंगे, पहाड़ी चिकन और साथ में सब्जी भी है। ये है दोस्तों पहाड़ी चिकन, देखिए क्या ही मस्त बना हुआ है, बहुत मजा, पूरा मजा, क्या लक्ष्मी? तो पहाड़ी चिकन काफी टेस्टी लग रहा है दोस्तों, इसी को खा लेते हैं पहले, एक बार खाए ना, काफी मजा आया। ये सब्जी भी काफी टेस्टी लग रहा है दोस्तों, खाने में मजा आ गया, और पहाड़ी चिकन का तो कहना ही नहीं है, ये तो और भी मजा लगता है। लक्ष्मी को देखिए कैसे खा रही है, पूरा नाच नाच के खा रही है, वाह। इसका झूला भी है, हाँ, पहाड़ी ड्रेस है, बर्थडे दिन। तो इसको पहाड़ी चिकन इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये वाला जो है ना एकदम चिकन जैसा ही लगता है, एकदम करच करच कटाता है, मस्त लगता है एकदम, इसलिए इसको बोलते हैं पहाड़ी चिकन, काफी टेस्टी लगता है, बहुत मजा लगता है एकदम। आप लोग भी बनाइए और खाइए, और अगर नहीं बनाने सकते हैं दोस्तों तो हमारे घर आइए, हम लोग डेली बनाते हैं, डेली नहीं बनाते हैं लेकिन आज बनाए हुए हैं, लेकिन ये मतलब मौसम आ ही गया है, इसको डेली बनाएंगे, काफी टेस्टी लगता है। तो खाना पीना हम लोग खा ले दोस्तों, और ये जो था दोस्तों जो हम लोग खाए वो था बांस करेल, और काफी टेस्टी लगा एकदम खाने में, क्या जी? हाँ। रात भर उसको सिझाए थे, पूरा एकदम चूल्हा में दे करके छोड़ दिए थे, मुहर मुहर ताव दे करके, वो आराम से सीझ गया, 3-4 घंटा लगभग छोड़ दिए थे, तो पूरा एकदम मुलायम हो गया सीझ करके, और लाल भी हो गया, सुबह में फिर थोड़ा सा डबका दिए तो फिर और भी लाल हो गया, तो काफी टेस्टी एकदम लगा एकदम खाने में, मस्त बन गया ना जी। हाँ। इसी तरह से बनता है, और इसका जो है रेट दोस्तों काफी अभी रेट बढ़ गया है, लगभग जो है मतलब 200 रुपया किलो अभी चल रहा है, यानी कि चिकन मटन के भाव में अभी इसका चल रहा है अभी रेट, इसलिए समझे कि इसको जो है मतलब पहाड़ी चिकन ही नाम दे देते हैं, इसलिए इसको बनाए और काफी टेस्टी भी लगा। तो आप लोग भी इस तरह से बना करके खा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा एकदम हम लोग बनाए, आप लोग तो देख ही लिए कि कैसे कैसे हम लोग बनाए। तो चलिए आज का ब्लॉग कहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।